इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कुछ दिनों पहले किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया था। अब सांसद शंकर लालवानी इंदौर से इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं। इंदौर के लिए ये बड़ी ही सौगात साबित होगी। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है और उसके साथ साथ यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की भी आवश्यकता थी। उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की स्थापना करने जा रही है और उसमें तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। बड़ी एक्सरे मशीन जो लगभग 75 लाख की है वो आ गई है। कस्टम के सभी अधिकारियों को ऑफिस मिल गया है। जो हमारे एयरलाइंस के कंपनियाँ हैं उनसे बातचीत हुई है और ख़ास करके इंदौर से विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब्जी, अनाज, फूल, फल और यहाँ तक कि सोना, चांदी, जेवरात जो भी एक्सपोर्ट की आवश्यकता होगी वो हम यहाँ से करेंगे। लगभग सभी तैयारियाँ पूर्ण हो गई है। अंतिम चरण में आने वाले कुछ समय में हम सभी स्टॉक होल्डर, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, एयरलाइंस के अधिकारी हों, कंपनी के अधिकारी हों, कस्टम के अधिकारी, एयरपोर्ट, सभी मिलकर इसको कैसे और अच्छी तरह चला सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार है। सरकार की पूरी तैयारी है और मुझे लगता है अभी औद्योगिक क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल है हमारे यहाँ, और भी जितने उद्योग उन सबको बिठाएंगे और किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्गो प्रारंभ किया जा सके उस पर चर्चा की जाएगी। और मुझे लगता है ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए, सेंट्रल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी देन है केंद्र सरकार की। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हमारा यहाँ का व्यापारी, हमारे यहाँ का किसान जो उत्पादन करता है वो अब यहाँ स्थानीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, लोकल से ग्लोबल तक जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।